फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बुधवार 18 सितंबर को लगने जा रहा है। यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिषों के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चंद्र ग्रहण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पितृपक्ष के बीच में पड़ रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार 18 सितंबर को लगने वाला है चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगेगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतक काल मान होगा या नहीं, बहुत से लोगों के मन में अभी यह सवाल जरूर होंगे। आइए आपको इन सवालों के बारे में बताती हूँ। भारतीय समय अनुसार साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बुधवार 18 सितंबर को सुबह 6:12 पर लगेगा, जो सुबह 10:17 तक रहने वाला है। यानी चंद्र ग्रहण की कुल अवधि करीब 5:04 की रहने वाली है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के देशों में यह दृश्यमान होगा। इसके अलावा यह हिंदू महासागर, अटलांटिका महासागर और अटांटिका कुछ जगहों पर भी दिखाई दे सकता है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बहुत ही खास है। चंद्र ग्रहण के कुल अवधि 9 घंटे पहले शुरू हो जाती, चूँकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान ना तो भगवान की मूर्ति को स्पर्श किया जाता और ना ही पूजा होती है। इसके अलावा सूतक काल में शुभ व मांगलिक कार्य भी वर्जित है। मेष राशि वालों कि व्यापार में हानि हो सकती है। रिश्तों में मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। किन के लिए चंद्र ग्रहण बुरा प्रभाव लेके आए राशियों के अनुसार। करियर सिंह राशि वालों के लिए करियर में अड़चने आ सकती हैं। मजबूर होकर नौकरी छोड़ने या बदलने की योजना बना सकते हैं। निजी या दाम्पत्य जीवन में भी प्रभावित हो सकते हैं। मकर राशि लोगों को सावधान रहना होगा। सेहत संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। घर के बुजुर्गों से मनमुटाव हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। मीन राशि का साल का दूसरा चंद्र ग्रहण मीन राशि में ही लगने वाला, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। आपके नौकरी व्यापार को प्रभावित हो सकता है। घर की आवक घट सकती है। कार्यस्थल पर लोगों से अनबन होने की संभावना है। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। चंद्र ग्रहण में आपको क्या नहीं करना। चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और जो कि 10 गुना फलदायी होता है। क्या करें, चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाए। चंद्र ग्रहण के समय गाय को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण से पहले ही आपको तुलसी दल तोड़ के पानी में डाल देना चाहिए, जिससे कि चंद्र ग्रहण के समय नेगेटिव एनर्जी और आपके चीज़ों पे ना प्रभावित कर सके। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण का अशुभ घटक होता है, इसलिए हिंदू मान्यताओं के इस दौरान कोई भी शुभ काम करने की मनाही। हालांकि दूसरा चंद्र ग्रहण समय भारतीय अनुसार सुबह का ऐसे में भारत में यह नहीं आएगा, इसलिए इसके लिए सूतक मान्य नहीं रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करें। चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ ना करें। मंदिर के पट भी पहले ही बंद कर दिए। देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें, ना ही शास्त्रों को स्पर्श करें। मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो खाना पकाएं और ना ही खाएं, बल्कि पके हुए भोजन, पानी, दूध आदि में भी ग्रहण करने से पहले उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दें। चंद्र ग्रहण में तुलसी को स्पर्श ना करें, ना ही तुलसी की पत्तियां। तो चंद्र ग्रहण के समय सोए ना ही सोए, इससे सेहत पर बुरा प्रभाव। चंद्र ग्रहण के दौरान नुकीली धारदार चीज़ों का भी उपयोग नहीं करें, जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि। चंद्र ग्रहण के दौरान मेष राशि में होने में कुछ राशियों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के लिए दिक्कत हो सकती है। वहीं वृष, सिंह, धनु और मकर राशि के जातक के लिए यह ग्रहण अच्छा साबित होगा। 18 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, जिसमें जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है। इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को जागते रहना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, और हो सके तो उनको मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। लेकिन जब चंद्र ग्रहण भारत में माने नहीं है तो उनको भी चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण का सूतक 17 सितंबर की रात 9:12 से शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के साथ ही होगी। चंद्र ग्रहण
सुबह 10:07 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 6 मिनट तक होगी। चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, इसलिए भारत में चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए चंद्र ग्रहण।